हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का लेसन नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव। लेसन नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ना था, जीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसका हम आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा, लेसन नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन, इसका ऑब्जेक्टिव को डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, कह रहा है क्या आम के फल खाने वाला भाग है। तो आप लोग बताइएगा, आम के फल में खाने वाला भाग है, तो आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। पहला कह रहा है बाह्य फल भीति, दूसरा कह रहा है मध्य फल भीति, तीसरा कह रहा है अंतः फल भीति, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, आंसर नीचे लिख दिया गया है। आंसर में क्या है तो बी नंबर, यानी कि मध्य फल भीति। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य फल भीति। ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बताइएगा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या समसूत्री विभाजन होता है। तो आप लोग फटाक से बता दीजिए, समसूत्री विभाजन किस में होता है। कायिक कोशिका में, दूसरा कह रहा है जनन कोशिका में, तीसरा कह रहा है ए एवं बी दोनों में, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यदि हम देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर नंबर ए, यानी कि कायिक कोशिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कायिक कोशिका में। ध्यान रखिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव को आप लोग लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है। देखिएगा, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तब बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप ही लोग बताइए, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये सारा पॉइंट आप लोग को पढ़ा रखे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। यहां देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर बी। तो करेक्ट आंसर नंबर बी में क्या है, पार्थेनोकार्पी। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। आप लोग को लिखा चुके हैं, आप लोग के कॉपी में टाइप किया हुआ है ना, आपके कॉपी में राइट डाउन किया हुआ है, आप लोग को लिखा चुके हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, है ना, कह रहा इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। सो बताइएगा आप लोग, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। सो फटाफट आप लोग बताइए, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। पहला कह रहा है पक्षी, दूसरा मेढक, तीसरा स्तनपाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, नीचे आंसर दे रहा है आंसर नंबर बी में, यानी कि क्या है तो मेढक। मेढक में क्या होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मेढक में क्या होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बल्कि मेढक में क्या होता है, तो इसमें बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि जो मेढक है ये क्या है, जलीय जीव है। और आप लोग को हम बता चुके हैं कि जलीय जीव में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, जलीय जीव में आंतरिक निषेचन नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है। कह रहा है द्विखंडन एक प्रकार का है, तो बताइएगा द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा द्विखंडन क्या है, तो
तो ध्यान रखिएगा द्विखंडन क्या है, एक प्रकार का लैंगिक जनन है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। यहां देख लीजिए आंसर शो कर रहा आंसर बी, करेक्ट आंसर अलैंगिक जनन है। सो आप लोग याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा वीडियो को, एक बार दो बार तीन बार है ना सुबह शाम देख लिया कीजिएगा तो कन्फर्म है कि याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है इनमें से कौन अंडज है, बताइएगा इनमें से कौन अंडज है, है ना। पहला कह रहा है एकिडना, दूसरा कह रहा है कंगारू, तीसरा गाय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन अंडज है, फटाफट कमेंट कर दीजिए कौन अंडज है, है ना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए एकिडना। एकिडना क्या है, अंडज है, है ना, ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, आप लोग बताइएगा कौन से इनमें से है जो एक ही बार पुष्पित होते हैं, यानी एक ही बार पुष्प देते हैं। पहला कह रहा है बांस, दूसरा कह रहा है आम, तीसरा ताड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इसका करेक्ट आंसर पता होगा, है ना, आप लोग को बताए थे अच्छी तरीका से कि कौन से पौधे हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प धारण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए यानी कि बांस, ध्यान रखिएगा, है ना। बांस ऐसा है जो पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार पुष्प को धारण करता है। सो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है, तो इनमें से कौन द्विगुणित है, आप लोग बताइए अच्छी तरीका से, याद होगा कि कौन द्विगुणित है, अगुणित और द्विगुणित बताए थे। पहला कह रहा है पराग, दूसरा अंड, तीसरा ए तथा बी दोनों, चौथा युग्मनज, तीन में से कौन द्विगुणित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि युग्मनज। युग्मनज क्या है, तो यह द्विगुणित संरचना है, क्योंकि युग्मनज जो बनता है वह नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से बनता है, इसलिए युग्मनज द्विगुणित संरचना कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो बताइएगा किस फल का बीज चोल खाया जाता है। पहला शरीफा, दूसरा लीची, तीसरा जायफल, चौथा इनमें से सभी। तो बीज चोल किसका खाया जाता है अच्छी तरीका से मालूम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, है ना, ध्यान रखिएगा किसका बीज चोल खाया जाता है, तो सभी शरीफा लीची जायफल। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है सम युग्मकी पाई जाती है, तो सम युग्मकी पाई जाती है बताइएगा। पहला कह रहा है शैवाल, दूसरा आवृत बीजी, तीसरा अनावृत बीजी और चौथा इनमें से सभी। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम युग्मकी पाई जाती है, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए यानी कि शैवाल। शैवाल क्या है, सम युग्मकी, ध्यान रखिएगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है अंड परजक निम्नांकित में कौन है, बताइएगा निम्नांकित में अंड परजक कौन है, अंड देने वाला जीव कौन है। पहला कह रहा है सर्प, सर्प मतलब सांप, मगरमच्छ, तीसरा कह रहा है मुर्गी, चौथा कह रहा है इनमें से सभी, अंडा देने वाले कौन है। तो आप लोग को इसका करेक्ट आंसर पता होगा कौन कौन से जीव अंडा देते हैं,
सो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या है, आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, क्योंकि आपको पता है सर्प भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडा देती है और मुर्गी भी अंडा देती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग अच्छी तरीका से सबको देखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। कह रहा निम्नांकित में से कौन सत्य फल है, तो बताइएगा निम्नांकित में से कौन सत्य फल है, पहला सेब, दूसरा नाशपाती, तीसरा काजू, चौथा नारियल, इनमें से कौन सत्य फल है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, नारियल। नारियल क्या है, सत्य फल है, याद रखिएगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, सो ध्यान रखिएगा ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसके जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो पहला ऑप्शन कह रहा है पेनिसिलियम, दूसरा कह रहा है पारामिशियम, तीसरा कह रहा है ईस्ट, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सभी में, तो बताइएगा मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। सो इसका करेक्ट आंसर देखिए आंसर नंबर सी, किसमें, ईस्ट में, है ना। आप लोग का कॉपी में लिखा हुआ होगा मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, है ना, तो लिखाए थे हाइड्रा एवं ईस्ट में, ध्यान रखिएगा, है ना। सो यहाँ सिर्फ ईस्ट है, यदि हाइड्रा रहता तो हाइड्रा भी इंक्लूड होता, क्योंकि हाइड्रा भी क्या होता है, मुकुलन द्वारा ही जनन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, तो बताइएगा इसमें से मिथ्या फल कौन है, पहला कह रहा है सेब, दूसरा आम, तीसरा केला, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो मिथ्या फल कौन है, तो देखिएगा मिथ्या फल कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सेब। सेब क्या है, मिथ्या फल है, ध्यान रखिएगा सेब कैसा फल है, मिथ्या फल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, सो आप लोग बताइएगा कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, पहला कह रहा है जलकुंभी, दूसरा कह रहा है कमल, तीसरा अमीबा और चौथा सर्प, बताइएगा तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, आप लोग को अच्छे से पता होगा द्विखंडन बहुखंडन सबका एग्जाम्पल लिखा चुके हैं, है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अमीबा, है ना, आप लोग को लिखाए थे अमीबा, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, ध्यान रखिएगा, और ये भी बताए थे कि अमीबा में क्या होता है, कभी कभी बहुखंडन की भी प्रक्रिया होती है। सो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा आंसर नंबर सी, अमीबा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है क्या जैम्यूल्स बनते हैं, तो बताइएगा कहाँ बनते हैं, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि स्पंज में, है ना। सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है, तो लीची का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा बीज चोल कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लीची का खाए जाने वाला भाग बीज चोल कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, तो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, जब निषेचन नहीं होगा और फल का निर्माण हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, सो बताइएगा पहला कह रहा अपयुगमन, दूसरा कह रहा है असंग जनन, तीसरा कह रहा है अनिषेक जनन, चौथा कह रहा है इनमें से सभी।
सो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिखा चुके हैं आपके कॉपी में लिखा हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। सो अनिषेक जनन, है ना, अनिषेक जनन किसे कहते हैं, तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, इसमें से सही को चुनिएगा, कौन सही है। पहला इसमें कह रहा है स्पॉन्ज का जियोस्पोर, पेनिसिलियम में जेम्यूल्स, सैवाल में कोनेडिया, हाइड्रा की कलिका। करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना, एकदम इजी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा डी। आप लोग को बताए थे अच्छी तरीका से कि जो हाइड्रा होता है वो हाइड्रा में क्या होता है, कली निकला हुआ रहता है ना। तो स्पॉन्ज जियोस्पोर ये अलग हो गया, पेनिसिलियम में गैम्यूस पेनिसिलियम गैम्यूस अलग हो गया, सैवाल अलग हो गया, कोनिडिया अलग हो गया, लेकिन जो कलिका होता है वो हाइड्रा का पार्ट्स है ना। हाइड्रा में क्या होते हैं, छोटे छोटे बड़ निकले होते हैं जिसे कहते हैं कलिका। सो करेक्ट आंसर नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईख सुगर कैंस, है ना, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, तो बताइएगा आप लोग ईख में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता है, बताइएगा। क्योंकि वास्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, दूसरा फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होता है, तीसरा ईख के पौधे कोमल हैं, चौथा यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए वास्कुलर बंडल्स। ध्यान रखिएगा वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। ईख का वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, इसलिए ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। ये आप लोग देखिएगा, है ना, जहां ग्राफ्टिंग पढ़ाए थे आप लोग को, वो ग्राफ्टिंग में पॉइंट्स को लिखा गया है, लिखा चुके हैं कि ईख का वास्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, है ना, 21 क्या कह रहा है। कह रहा है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, है ना, लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है, द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु, है ना। तो लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार किसके लिए है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। जब लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें द्विगुणित अवस्था बनता है ना, मतलब एक गुण होता है किसका, द्विगुणित होता है ना, युग्मनज जो बनता है वो क्या होता है, द्विगुणित। तो द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, लैंगिक प्रजनन, और अलैंगिक प्रजनन में द्विगुणित अवस्था नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पुदीना, है ना, कायिक प्रवर्धन करता है, बताइएगा। तो पुदीना कौन से कायिक प्रवर्धन करता है, बताइएगा क्या है वो, अंतर्भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी प्रकंद, बताइएगा आप लोग फटाफट। आप लोग को अच्छे तरीका से सबके बारे में समझाए थे ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, है ना। ध्यान रखिएगा क्या होगा, अंतर्भूस्तरी। सो आप लोग को बताए थे ये सारा का सारा पॉइंट्स आप लोग का फर्स्ट लेसन में लिखाया हुआ, जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये सारा का सारा कहाँ कहाँ है, फर्स्ट लेसन लेसन नंबर फर्स्ट का सारा क्वेश्चन है। सो आप लोग का लेसन नंबर फर्स्ट जीवों प्रजनन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कुकुर, कुकुर मतलब कुत्ता, है ना, कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है, तो कुत्ता का जीवन काल लगभग कितना होता है, बताइएगा फटाफट कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हम लिखा चुके हैं कुत्ता का जीवन काल कितना होता है। करेक्ट आंसर 15 वर्ष, है ना, 15 वर्ष इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, कुत्ता का जीवन काल 15 वर्ष का होता है। सो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है साख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए
वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, शाखा के वृंथ पर जो पौधा लगाया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है, वह किसके ऊपर निर्भर करता है, है ना। यह हम आप लोग को बताए थे कि एक पौधा को काट के दूसरे पौधे से जोड़ दिया जाता है और वह पौधा हो जाता है ना, ग्रोथ कर जाता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाखा के ऊपर डिपेंड करता है ना, शाख के ऊपर, शाखा नहीं, शाख के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा फटाफट, है ना। पहला कोशिका चक्र, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा समसूत्री विभाजन, चौथा संयुग्मन, है ना। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, संयुग्मन, साइनगामी, है ना। सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, है ना। रिक्त स्थान दिया हुआ, कह रहा है में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, बताइएगा किस में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, मतलब उसके पत्ती के द्वारा नया पौधा का निर्माण होता है, पत्ती को तोड़कर या पत्ती को काटकर, मतलब लीफ को काटकर तोड़कर यदि लगाया जाए तो नया पौधा का निर्माण होता है, कायिक प्रजनन होता है। किस में आप लोग को लिखाए थे, है ना, कि पत्ती के द्वारा होने वाला पौधा कौन कौन सा है। पहला कह रहा एगो एवं कलंचोय, दूसरा कह रहा ब्रायोफिलम एवं कलंचोय, ध्यान रखिएगा कलंचोय, तीसरा कह रहा क्राइसेंथियम एवं एगेव, और चौथा कह रहा है ना एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ब्रायोफिलम एवं कलंचोय, है ना। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें देखिएगा क्या है, इसमें एगोव जी है, देखिएगा इसमें थोड़ा सा आप लोग को डिटेल्स बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये जो एगेव है ये क्या होता है, पत्ती द्वारा नया पौधा का निर्माण होता है, ये सही है बट ये गलत है, है ना। इसमें क्या है ब्रायोफिलम, ये सही है बट ये क्या है गलत है, है ना। इसमें क्या है, ये सही है बट क्या है एगेव, ये गलत है, है ना। और इसमें क्या है ब्रायोफिलम, ये भी सही है और कलंचोय ये भी सही है, है ना, कलंचोय ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं, बताइएगा रात में जो पुष्प खिलता है वह पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं, हल्के होते हैं कि छोटे होते हैं कि चमकीले रंग वाले होते हैं कि गुच्छों में खिलते हैं, किस तरीका का फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, छोटे होते हैं। रात में खिलने वाले फूल साधारणतः क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है उभयलिंगी प्राणी है, तो बताइएगा उभयलिंगी प्राणी कौन है, आप लोग को अच्छे से पता होगा, इसका तो ऑप्शन देने की भी आवश्यकता नहीं है, खुद से याद होगा। उभयलिंगी प्राणी कौन है, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, और चौथा केंचुआ। उभयलिंगी प्राणी कौन है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, उभयलिंगी कौन है, मुर्गी, सांप की दोनों की केंचुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि केचुआ, है ना। केचुआ क्या है, उभयलिंगी प्राणी है। आप लोग 9-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 10 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है, तो बताइएगा द्विगुणित संरचना इनमें से कौन है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, अच्छे तरीके से एकदम आप लोग को पता होगा। ये क्वेश्चन एक बार इसके पहले भी कर चुके हैं, पीछे भी है ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, है ना। कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी, है ना। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर पता होगा द्विगुणित कौन है, यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कि द्विगुणित संरचना कौन है। एक सेकेंड सोच कर आप देखिए
क्या आपका आंसर करेक्ट है, यस या नो। अभी हम आंसर देखते हैं, द्विगुणित संरचना कौन है, इसका आंसर नंबर करेक्ट होगा सी, यानी कि युग्मनज, है ना। युग्मनज क्या है, द्विगुणित संरचना है। तो आप सोचिए आपका गलत हुआ या सही, आप कितने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितने आपसे याद होते हैं, है ना। और इस प्रकार का क्वेश्चन का हम फिर एक बार टेस्ट लेंगे, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, जिसमें ये अभी हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग का ऑनलाइन पड़ेगा, है ना। और जो इस टेस्ट में अच्छे करेंगे उसे हमारे तरफ से कुछ प्राइज दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि 30 कह रहा, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। तो बताइएगा, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, अच्छे से पता होगा। हम पहला लेसन जब शुरू किए थे तब मेरा सबसे पहला पॉइंट यही था, है ना। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन काल, दूसरा जीवन चक्र, तीसरा कायिक अवस्था, चौथा सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जीवन काल कहते हैं। आप लोग को हम बताए थे जीवन काल किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के काल को जीवन काल कहते हैं, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन।